हेलो गाइस, टुडे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी दो बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को तो बहुत पसंद है. तो वो पहला जो है वो है दाल तड़का, एंड सेकंड वन इज एक पालक की मिक्स वेज सब्जी जिसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगेगा. आप लोगों को मतलब मैं दिखाऊंगी कि वो बहुत ही जल्दी मतलब रेडी हो जाएगा. तो ठीक है, मैं आपके आप लोगों को बना के दिखाती हूँ. चलिए किचन पे. जिसमें मैंने वो सब्जी बनाया मिक्स सब्जी, तो अभी कढ़ाई में तेल ले लिया, वो तेल गर्म होगा, फिर हम लोग इसमें देखिए क्या क्या डालने जा रहे हैं, मैं दिखाती हूँ. तो गाइस देखिए, ये है मैंने तेल में डालने के लिए लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और ग्रीन चिलीज और ये कद्दूकस किया लहसुन, ये मैं तेल में डालूंगी. अभी तेल गर्म हो गया है, अभी मैं इन सबको डालूंगी तेल में. ठीक है, पहले मैं डालने जा रही हूँ ये जो कद्दूकस किया हुआ थोड़ा सा लहसुन है, क्योंकि मेरी दाल की क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए दाल की क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग लहसुन देंगे. ठीक है, तो मैं लहसुन डाल रही हूँ. अब मैं ये ग्रीन चिलीज और ये ऑनियंस मैं डालूंगी, इसको सॉटे करेंगे. अभी ये ऑनियन जब थोड़ा हल्का गुलाबी हो जाएगा तो हम लोग इसमें दाल डालेंगे जो तड़के का दाल होता है. तो ये है हमारी तड़के की दाल, जिसमें ये मिक्स दाल है. तो इसको मैंने पहले रात को भिगो के रखा था, फिर मैंने उसको सुबह में बॉईल कर लिया थोड़ा सा नमक डाल के. इसे हम लोग तड़का में भी नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि ये नमक से पहले से बॉईल किया गया है. ठीक है, ये थोड़ा गुलाबी हो रहा है. और एक चीज, जब तड़का बनाएंगे आप, अगर आप बटर से बना रहे हैं तो बटर का क्वांटिटी भी ज्यादा, और अगर मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल भी थोड़ा ज्यादा, क्योंकि तड़के का स्वाद ज्यादा आता है तेल डालने से. ज्यादा मतलब दाल के हिसाब से, अगर दाल आप एक कप डाल रहे हैं तो 5 चम्मच ऑयल डालने का जाएगा इसमें. ठीक है, अभी हम इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, फिर इसको हिलाएंगे थोड़ा, फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर. अब ये दाल चला जाएगा, इसमें दाल दे दे रहे हैं, मैंने दाल दे दी है. अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, जो सनराइज का गरम मसाला होता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का जो पाउडर होता है वो थोड़ा सा कलर लाने के लिए, और फिर सनराइज का जो जीरा का पाउडर होता है उसको डालेंगे. बहुत अच्छा सा स्वाद आ गया है इसमें, मतलब बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें. इसका ऑयल छूट रहा है, देखिए थोड़ा सा ये सूख जाएगा, फिर हम लोग इसमें पानी डालेंगे. पानी डालने से पहले थोड़ा सा इसमें हम लोग चीनी ऐड करेंगे. आप लोग चाहे तो अभी इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हैं, एक्सेप्शनल है, मुझे इतना अच्छा लगता है इसलिए मैंने नहीं किया. देखिए गाइस, ये लग रहा है कढ़ाई में, तो ये सूख गया है. अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे.
पानी ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। जो गैस का स्टीम है वो बड़ा बढ़ेगा। ये मैंने ढक दिया और गैस की स्टीम बढ़ी हुई है तो ये 5 मिनट तक पकेगा। ठीक है गाइस, ये जो दोनों सब्जीज है तो आप इसको रोटी के साथ ही खा सकते हैं या फिर चावल के साथ ही खा सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होता है। जो दाल का मतलब चावल के साथ अगर आप खाएंगे दाल को तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। रोटी से भी चावल से ज्यादा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है तो आप लोग इसको बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें उबाल आ रहा है, इसको ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि मुझे पतला खाना अच्छा लगता है, बाद में ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये दाल है रेस्टोरेंट में थोड़ा गाढ़ा देता है लेकिन मुझे गाढ़ा पसंद नहीं है। चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पतला खाएंगे। आप लोग चाहे तो थोड़ा गाढ़ा करके भी निकाल सकते हैं। और इसमें भी एक चम्मच घी जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा सा और मैश करेंगे ताकि बचा कुचा जो भी राजमा बहुत ही हार्ड होता है इसीलिए थोड़ा सा मैश कर देते हैं। अभी मैं इसको कढ़ाई से अलग कर दूंगी। ये हो गया है, देखिए यही रहेगा, जो गाढ़ा होगा इतना सही होगा। मेरी दाल भी बनके तैयार है, ये रहा। तो ये है मेरी दो रेसिपीज, ये दाल है और ये है सब्जी जो बहुत ही क्यूट लग रही है देखने में। तो गाइस आप लोग प्लीज इसको इन दोनों को ट्राई कीजिएगा दोपहर में या फिर रात में रोटी के साथ चावल के साथ जो भी बन हो आपको प्लीज। ओके तो गाइस ये थी मेरी दो बहुत ही सिंपल सा रेसिपी जो कम समय में हर कोई मतलब मेल फीमेल सब बना सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट पे बोलिएगा और एक लाइक और एक शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक बोला ना। ओके बाय बाय।